गीड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोकसर पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुतरानागढ़ में एकमात्र अस्थायी पैरा टीचर कार्यरत है और इस विद्यालय में 62 का नामांकन है। एक शिक्षक के भरोसे इस विद्यालय की पढ़ाई की तो क्या कल्पना की जा सकती है, जिस विद्यालय में 5 कक्षा एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं। उसी के साथ एकमात्र शिक्षक को विद्यालय की डाक बनाना, पोचारा, दूध, अन्य मीटिंग सहित जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो गया है। इस विद्यालय में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं हो रही, सिर्फ बच्चों की बाड़ाबंदी हो रही है। आसपास के ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित और परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को शिकायतें की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विद्यालय पर ना तो कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। इस विद्यालय की ओर आज दिन तक किसी का ध्यान नहीं गया और इसके चलते होनहारों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ग्रामीण इसे खान गनी खान, दाऊद खान, कालू खान, अलादीन खान, नसीर खान, शकूर खान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि हमारे 2 किलोमीटर के दायरे में इसी राजस्व गांव में 2-3 विद्यालय हैं। उसमें एक विद्यालय में 4 का स्टाफ, दूसरे में 8 का स्टाफ है। इतना होते हुए भी लोकल राजनीति के चलते इसी विद्यालय के अस्थायी पैरा टीचर को जबरदस्ती BLO का चार्ज थमाया गया और इस कारण विद्यालय में लगे पैरा पर लोड ज्यादा होने के कारण टीचर बेहद ही परेशान है। विद्यालय की पूरी जिम्मेवारी के साथ कागज कार्यवाही की खानापूर्ति के साथ साथ पैरा टीचर को अस्थाई से स्थाई करने के लिए DELED की परीक्षा में हफ्ते में 2 दिन सेंटर पर जाना जरूरी होता है, उसमें भी BLO की जिम्मेवारी रहती है। इतना होने के कारण पैरा टीचर ने कहा कि मैं यह सब नहीं संभाल पा सकता, मुझे एकमात्र शिक्षक होने के कारण विद्यालय की सभी जिम्मेवारी भी संभालनी मुश्किल हो रही है। हमारे स्कूल में एक मास्टर साहब है, इनके पास बहुत सारा वजन है, काम है, जैसे दूध है, पोसार है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। उसके अलावा प्रशासन ने BLO का भार दे दिया है। इसके अलावा बहुत सारे काम है। अब मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाएं या इस कागजात के काम को पूरा करें, और इसके बावजूद हमारी स्कूल की ये हालत है, बाउंड्री है ना, कुछ भी नहीं। हमारे विद्यालय पर बड़ी ना अनसाफी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ये विद्यालय मालिक भरोसे चल रहा है। हमारे करारी बेरा में कुल 3 विद्यालय है, जिसमें एक में 5 शिक्षक है और दूसरे में 8 या 9 के करीब शिक्षक है। इसलिए हम ग्रामीणों ने 2 माह से एक युवक को लगातार बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं और हमारे विद्यालय में एक शिक्षक होने के बावजूद BLO का चार्ज जबरदस्ती थमा दिया गया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी।